आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखा प्रश्न में हमें एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है या सूत्र की कल्पना करनी है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम एक दंड चुंबक के आरेख को अक्षीय आरेख के अनुसार हमने एक द्विध्रुव चुंबक जिस पर N तथा S दो ध्रुव बने हुए हैं, जिसकी प्रभावकारी लंबाई की तुलना हमने 2L उसकी लंबाई से की है, जहां उसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी जो D दूरी से प्रदर्शित होती है। हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के अनुसार यदि हम पहले ध्रुव की बात करें इन स्थितियों के अंतर्गत, हम यदि एक दंड चुंबक को देखते हैं तो दंड चुंबक में कुछ उनके प्राकृतिक गुण, जहां पर उसकी चुंबकीय प्रबलता की ध्रुव की प्रबलता हम M से तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई 2L से प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति के अंतर्गत दो स्थानों पर जहां एक N ध्रुव एक S ध्रुव से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि हम पहली स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यदि हम पहले बिंदु पर देखें, पहले बिंदु के अनुसार कौन से ध्रुव के कारण, पहली स्थिति पर उत्तरी ध्रुव N के कारण हम लेते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे हमने N से प्रदर्शित किया है के कारण लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे B1 से व्यक्त किया गया है उसका मान म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा ध्रुव प्रबलता M के रूप में है तथा उनके बीच की दूरी जो N से P के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में बराबर होती है। इन स्थितियों पर NP की रचना देखें, तब NP की दूरी को हम OP की दूरी ऋण O की दूरी से विभाजित कर सकते हैं या अंतर से बता सकते हैं, जहां OP की दूरी हमारे लिए D है और ON की दूरी L के रूप में प्रस्तुत होती है। हम यहां पर NP के मान को यहां पर इस समीकरण में यदि रखें, तब समीकरण को हल करने के पश्चात B1 का मान हमें म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा M अनुपात डेरिन एल वर्ग के रूप में आएगा। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। इसी तरह यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूसरे ध्रुव एस ध्रुव के कारण देखें, दूसरे ध्रुव के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे B2 से प्रदर्शित किया गया जो ध्रुव एस के कारण लगती है, इसे इसलिए हमने B2 से प्रदर्शित किया, जहां B2 का मान हमारे लिए म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा ध्रुव प्रबलता जो कि m ही होगी दोनों ध्रुवों की और उनके बीच की दूरी को हम यहाँ पर sp से प्रदर्शित करेंगे, sp के वर्ग से, जहाँ sp का मान हमारे लिए op धन os के रूप में प्रदर्शित होगा, जहाँ op की दूरी हमारे लिए d है और os की दूरी l है, तो इसे संयुक्त रूप से हम d प्लस l कह सकते हैं। इन मानों को यदि समीकरण पर रखें तब B2 का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एस ध्रुव के कारण म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा m अनुपात d धन l के रूप में व्यक्त होता है। इसे हम समीकरण दो नाम देते हैं। इस स्थिति पर यदि समीकरण एक और समीकरण दो से देखें कि विभिन्न दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल, जहां पर चूंकि n ध्रुव s ध्रुव से दूरी पर है, n ध्रुव के कारण p पर लगने वाला बल का मान अधिक, जबकि जिसे हम यदि B1 से प्रस्तुत करें तथा S के द्वारा P पर लगने वाले बल का मान कम होगा जिसे हम B2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दोनों के दोनों एक S एक N दोनों विपरीत दिशा पर भी कार्य करेंगे लेकिन उनके मान कम होंगे, इसलिए हम बिंदु P पर इसकी तुलना करते हैं। बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसे हम कुल परिणामी तीव्रता B से व्यक्त करें तब इसका मान B1 ऋण B2 होगा। इन्हीं मानों को जो समीकरण एक तथा समीकरण दो से हमें प्राप्त हुए हैं उनके मान को हम रखते हैं म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा m अनुपात d ऋण l वर्ग ऋण म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा m अनुपात d धन l के वर्ग से। यानी आगे हल करें तब म्यू शून्य अनुपात 4π गुणा m को हम उभयनिष्ठ लेते हैं। एक स्थिति पर d ऋण l के वर्ग ऋण 1 अनुपात d धन l के
वर्ग के प्रतिस्वरूप इसका मान हमें प्रस्तुत होगा, और परिणामी बल का मान संयुक्त रूप से यदि हम इसे हल करें तब इसका मान हमारे पास म्यू शून्य अनुपात 4 पाई गुणा एम गुणा 4 dL/d अनुपात d के वर्ग और l के वर्ग के बराबर होगा। यह मान जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। इस स्थिति के अंतर्गत आगे देखें तब जहां हम यह कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण जिसे m से प्रदर्शित किया जाता है वह ध्रुव प्राबुल और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इस स्थिति को यदि हम समीकरण 3 जिसे नाम दिया गया है उस पर रखें तब मान हमें चुंबकीय आघूर्ण के परिणामी का मान मुख्य रूप से म्यू शून्य अनुपात 4 पाई गुणा 2 m d अनुपात d वर्ग ऋण l वर्ग के वर्ग से प्रदर्शित होगा। यही इस स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी अक्षीय स्थिति पर प्रदर्शित करता है जिसकी दिशा हम यह कह सकते हैं कि उसकी दिशा अभी चूंकि n से p के दिशा में होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही प्रश्न में पूछा गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।